आज हम श्री गणेश करेंगे। स्कर्ट के साथ थोड़ा मैं डन हूँ, ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर लेते। इसमें बहुत पतली सी इलास्टिक भी थी। तो मैं इसको और ऑल्टर करना चाहती थी तो काम खराब हुआ है थोड़ा। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे जिन दोस्तों को क्रिएटिविटी अच्छी लगती है। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ड्रेस, जो कि होने वाली है ब्यूटीफुल समर एप्रोप्रिएट वाइट ड्रेस। ये जो फैब्रिक मैं यूज़ करने वाली हूँ, आई थिंक आपने मेरे किसी पास व्लॉग में देखा होगा कि ये मुझे थ्रिफ्ट स्टोर से मिला था। सो ये पूरे का पूरा फैब्रिक अराउंड 8 meters है और इसके साथ ही मुझे ये लेस का मटेरियल मिल गया। और इसको देख के मुझे आइडिया आया कि मैं एक बहुत ही अच्छी सी बलून स्लीव्स वाली ड्रेस बनाती हूँ समर्स के लिए, जैसे मुझे पसंद है। एंड लेस मटेरियल को मैं स्लीव्स के लिए यूज़ करूँगी, अच्छी फ्लफी बलून स्लीव्स के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम श्री गणेश करेंगे, शुरुआत करेंगे हमारी ड्रेस की। अभी वाइट ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पर बाज़ार से इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं स्टाइल्स, अगर मिलते भी है तो बहुत एक्सपेंसिव। अब आप देखें, ये $7 का इतना ज़्यादा कपड़ा है, मैं पूरा यूज़ भी नहीं करूँगी, इसमें से एक आधी चीज़ और निकल जाएगी। एक्चुअली मैं प्लाजो बनाना चाहती हूँ इस फैब्रिक का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टलकने वाला है ये, अच्छा लगता है इस फैब्रिक का। ड्रेस बन जाएगी एंड प्लाजो बन जाएगा और ड्रेस बहुत अच्छी बनेगी मेरे हिसाब से। अर्लियर मैं सोच रही थी कि कैसा डिज़ाइन बनाऊँ। मेरे दिमाग में ये वाले 3 आइडियाज़ हैं, इन तीनों में से हम किसी एक को चूज़ करेंगे जो मैं रियली जल्दी से जल्दी पहनना चाहती हूँ। ऑल राइट, मैंने सोच लिया है हम इस डिज़ाइन पे काम करेंगे, क्योंकि ये शिफॉन जैसा मटेरियल है तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। चूज़ कर लिया है, अब हम कटिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने फ्रॉक को कट कर लिया है। आप देखिए कि इसका अर्ज कितना बड़ा है। सो मैं लंबाई लूँगी जितनी भी मुझे मेरी फ्रॉक की लंबाई चाहिए, लाइक स्कर्ट की, क्योंकि हम बॉडी पार्ट अलग से बनाएंगे। स्कर्ट की लंबाई लेके देन मैं जितनी कमर रखना चाहती हूँ इसको बॉडी के साथ अटैच करने के लिए, उतना एरिया लेंगे। देन फिर हम लेंथ लेंगे और इसी तरह हम अम्ब्रेला कट की स्कर्ट को काट लेंगे बॉडी के साथ अटैच करने के लिए लेटर। I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my friends, I see them with this golden glow. It seems they can touch the rainbow. I guess I'll never know, never know, never know. Would that be me? अभी बॉडी को बनाने के लिए मेरे पास 2-3 डिफरेंट आइडियाज़ हैं, पर मुझे लगता है कि हम उस आइडिया के साथ जाएंगे जिसमें मैं मेरे शोल्डर्स पे भी इलास्टिक ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो गला है वो बहुत बड़ा एंड बोट किस्म का चाहिए। अगर मैं गला पहले से बना लूँगी तो फिर क्या होगा कि जैसी मुझे डेप्थ चाहिए गले में वो मुझसे बनेगी नहीं। सो मैं चाहती हूँ गले में भी इलास्टिक हो एंड शोल्डर्स में भी इलास्टिक हो। अगर मुझे उनको ऑफ द शोल्डर करना हो तो मैं कर पाऊँ, अगर मुझे उनको शोल्डर पे रखना हो तो वो कर पाऊँ। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बॉडी का पार्ट भी काट लिया है, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में ही मैंने काटा है। सो मेन 2 पार्ट हमारे कट गए हैं, अब हम थोड़ा सा रफली मैं लाइनिंग को भी काट। सो मैं थोड़ी सी लाइनिंग भी लगाऊंगी क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है। एक्चुअली मुझे अभी नींद आ रही है, अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। नींद मुझे क्यों आ रही है, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। बहुत ज़्यादा क्या खाया? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खाया। ओके, मैंने एक टोस्ट खाया आज सुबह, मैंने आज सुबह सैंडविच खाया, टमेटो चीज़ सैंडविच, थोड़ा सा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैंने खाया। देन मैंने थोड़ी सी ब्रोकली खाई,
एंड अब मैंने मैंगो शेक पी लिया है और मैंगो शेक मैंने अच्छा वधिया ग्लास पीता है तो मैंने वो नींद आ लिया। सो एक तो मन कर रहा है कि सो जाओ, टिप तरफ मन कह रहा है कि नहीं पोत काम कर करेंगे। वंस मेरी कटिंग पूरी हो जाती है ना तो फिर मैं अगर सिलाई मशीन पे बैठ जाऊँ तो फिर काम कंटिन्यू रहता है, फिर मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ, कर ही लेती हूँ। इस वीडियो को लेके मैं चाहती थी कि मैं एक ही दिन में ये पूरी ड्रेस को फिनिश कर लूँ और मैं कर भी सकती हूँ। बस ये जो सुस्ती मेरे आड़े आ रही है ना, ये कह रही है कि थोड़ा आराम कर लो। हस्बैंड की सलाह लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा आराम कर लेती हूँ आज। सच्ची मुझे नींद आ रही है, आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जब आपको बहुत ज़्यादा काम करना हो ना, काट ही खाया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा सुस्त फील करोगे तुसी। सो थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद कटिंग का सिलाई का प्रोसेस शुरू करेंगे। गल करने में दिल नहीं करने, इन्नी नींद आ रही है। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं मेरे हस्बैंड एंड हिम्मत हम तीनों चले गए थे पार्क में के लिए, क्योंकि आज बहुत अच्छा टेम्परेचर था पर थोड़ी हवा विंडी थी इसलिए मैंने कोटी पा ली है। और अब मैं अपस्टेयर्स आ गई हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मैं मेरी स्टिचिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ। एंड हस्बैंड ने फ्रूट्स भेजे हैं हिम्मत के हाथ, क्योंकि अब शाम हो रही है और यहाँ पे सूरज आएगा ज़्यादा एंड आ रहा है फिलहाल, तो ये रूम हो जाएगा गर्म। सो क्विकली मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। मैं सबसे पहला काम मैं आज करूँगी इस फुट को ट्राई करने का, जो कि है हैमिंग रोल्ड हैमिंग फुट लाइक पीको काइंड की। सबसे पहले इसी को यूज करके मैं सारी फ्रॉक के आसपास पीको करूँगी। सो मेरी कोशिश होने वाली है कि ये ड्रेस आज ही फिनिश हो जाए, तो जल्दी से मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर हम रफली थोड़ी सी लाइनिंग को काट लेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो मेरा जो पीको का फुट है रोलिंग हैम फुट अच्छा काम कर रहा है। I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my friends, I see them with this coat. इसको एक्चुअली सेट करने में थोड़ा समय लगा, मुझे थोड़ा टाइम लगा कि कपड़ा कैसे रोल करके इंसर्ट करना है, पर अब सही है। If I stayed in my city, स्कर्ट के साथ थोड़ा मैं डन हूँ, अभी बॉडी पार्ट बनाऊंगी और मैं लाइनिंग लगाऊंगी, पर उससे पहले मैं लेने वाली हूँ ब्रेक, क्योंकि मैं थक गई हूँ एंड आई एम फीलिंग स्लीपी हंगरी एंड मच मोर। सो अपने फ्रूट्स के साथ मैंने डन कर लिया है, डाउन स्टेज आती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करके आती हूँ और पति को परेशान करिए। ऑलराइट दोस्तों, मैंने अपनी छोटी सी चोटी बना ली है क्लिप लगा के, क्योंकि मेरे पास रबर बैंड नहीं था और बाल खुले से फूड कुक नहीं होता। सो समय हो गया है 7:16, काफ़ी समय लग गया मुझे कुकिंग करने के लिए और मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे ड्रेस के प्रोसीजर को आज जारी रख पाऊँगी, क्योंकि खाने के बाद हम थोड़ी वॉक भी करेंगे क्योंकि हम खाने के लिए लेट हो चुके हैं। मैंने बनाई है आलू मेथी और उसमें मैंने मशरूम भी ऐड कर दिया, क्योंकि मशरूम काफ़ी समय से हमारी फ्रिज में था, हमने यूज़ नहीं किया तो उसे हमने यूज़ कर लिया है। दूसरी चीज़ मैंने भिंडी बनाई है, शायद आपको लगेगा कि दोनों चीज़ें ड्राई बढ़िया, पर मेरा मन कर रहा है कि एक तरी वाली सब्जी होती तो मज़ा आ जाता, पर अब नहीं है तो क्या करें। अब मैं फुलके बना रही हूँ, देन हम डिनर खाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे वॉक करने के लिए। जैसे मैंने बता दिया मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आप भी भिंडी के फ़ैन हैं तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके। और मैंने मिंट चटनी भी बनाई है, दही वाली मिंट चटनी भी बनाई है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, और इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर है सिम ऑर्गेन कुक पर, आप ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत बहुत मज़ेदार लगेगी। सो मशरूम को यूज़ करने के चक्कर में मेरी जो मेथी है वो बेचारी गुआच गई है और आलू एंड मशरूम ही दिख रहे हैं हर तरफ, पर यार यूटिलाइज होगी मेरी सब्जी, बेचारी वेस्ट नहीं हुई। मुझे लगता है कि स्वादिष्ट बनेगा क्योंकि मुझे मशरूम अच्छी लगती है। सो ये है हस्बैंड की प्लेट, सर्व करते हैं पति परमेश्वर जी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो आज अगला दिन मैंने एक चाय का कप पी लिया है एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैं लेके आई हूँ बनाना, इसे खाया जाएगा कुछ देर में और हम सिलाई का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने कल स्कर्ट को पीको कर लिया था, सो मेरा जो पीको वाला फुट है वो अच्छी तरह काम कर गया है, वो डन हो चुका है काम। सो मेरी स्कर्ट कुछ इस तरह की हो गई है, आई लाइक इट। अब हम बनाएंगे बॉडी एंड देन इसको अटैच करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा सिल लूँगी, देन हम इसमें बल्ब बनाएंगे लाइक थोड़ा सा, इसे भी हम थोड़ी वॉल्यूम
देंगे, लाइफ देंगे, उसके बाद इसे अटैच किया जाएगा बॉडी के साथ एंड देन हम आर्म्स करते हैं. सो लेट्स डू दैट. सो दिस टाइम एंटरटेनमेंट के लिए मैं कोई ऑडियो बुक सुनने वाली हूँ. Acércate más, un poco más. Tu forma de actuar me hace. Yo ya no tengo escapa. सोचा था मैंने कि आज हम सारा काम कर लेंगे फिनिश, पर आज मशीन है जो कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी. मैंने सब कुछ करके देख लिया, बहुत सारी सफाई की, हर कोई पेज खोल लिया मैंने, सारी मशीन को एक्चुअल में खोल लिया था मैंने, और पर मशीन ने काम नहीं किया. तो फिर मैंने सोचा कि कई बार होता है कि कोई दिन ही अच्छा नहीं होता, अगले दिन शायद मेरी मशीन सही तरह काम करेगी. सो आज दिन हो गया है बर्बाद, नई मशीन ने साथ नहीं दिया दोस्तों. हेलो दोस्तों, तो आज है मैनी 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 डेज लेटर, क्योंकि कुछ दिन मेरी मशीन ने मेरा साथ नहीं दिया. मैंने बहुत कोशिश की उसको सेट करने की अपने आप. सो एंड ऑफ द डे मैं कामयाब हो गई, अब मेरी मशीन ठीक से काम कर रही है. आज हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा होता है. ये प्रोजेक्ट को शुरू करते समय मेरा विचार था कि ये मैं एक ही दिन में बना सकती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम मुझे लगा नहीं. पर जब आप ऐसे सोच के कुछ चीज़ें करते हैं ना, बहुत बार आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. जैसे मेरी मशीन ने मेरा साथ छोड़ दिया, जिस चीज़ से मैं डरती थी वही हो गई. सो यस, आज हम क्या करेंगे, स्कर्ट को लाइनिंग लगाएंगे, बॉडी पार्ट को बनाएंगे, उसकी लाइनिंग का करेंगे एंड दोनों को अटैच करेंगे. अगर हमारा प्रोसेस सही चलता रहा तो आर्म्स भी लगा लेंगे. तो मोस्टली मेरे कहने का मतलब है कि आज हम सारा ही खत्म करने की कोशिश करेंगे. Oh, listen, honey, if I told you about the way that I felt, yeah, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. Hello everybody. So, मुझे लगता है कि हम बॉडी से डन है. उसे मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक रेक्टेंगुलर पीस को लेके थोड़ी सी शेप में काट लिया है एंड एक यहाँ पे सीन लगा दी है, क्योंकि मैं गला नहीं बना रही हूँ, आर्म्स अलग से अटैच करेंगे हम. इस तरह का दिख रहा है फिलहाल. मैंने यहाँ पे एक सीन ही लगाई है नाइस एंड क्लीन, पर अगर मुझे लेटर लगेगा कि इसे मुझे टाइट करने की ज़रूरत है तो मैं इसे इसमें बहुत पतली सी इलास्टिक भी डाल सकती हूँ, पर फिलहाल वो इसी तरह का दिख रहा है. हम इसके साथ अटैच करेंगे हमारी ए लाइन स्कर्ट. पर अटैच करने से पहले मैं इसमें लाइनिंग लगा रही हूँ. लाइनिंग की जो वॉल्यूम है स्कर्ट की, उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उसकी है. सो ये काइंडा कम वॉल्यूम वाली लाइनिंग होगी, क्योंकि मुझे मैं नहीं चाहती कि इतना कपड़ा मैं यूज़ करूँ. सो इसको हम उसके साथ, स्कर्ट के साथ अटैच करने के बाद बॉडी के साथ अटैच करते हैं. सो इस तरह मैं इसको सिल लेती हूँ. अगर इसमें मुझे थोड़ा सा बल्ब बनाने की ज़रूरत पड़ी बॉडी के साथ अटैच करने के लिए तो बना लेंगे, अदरवाइज इसे सीधा ही बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे. Dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me. Skirt का part ready है, ये है body. इन दोनों को attach करते हैं, body को and skirt को. सो मैंने ये बेल्ट बना ली है शिफॉन जैसे कपड़े की मेरी ड्रेस में टाई करने के लिए, और इसे मैं गले में भी रैप करके स्टाइल बना सकती हूँ. एंड अब बारी आती है आर्म्स की. आर्म्स का जो कपड़ा है उसे मैं सारा यूज़ कर लूँगी, एक तरफ से टाई रहेगा और दूसरी तरफ से मैंने काट दिया है. अब मैं आर्म की सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद मैं दोनों तरफ से फोल्ड कर दूंगी ताकि मैं इलास्टिक को इंसर्ट कर पाऊँ, और फिर मैं मेजर कर लूँगी मेरी आर्म एंड मेरे शोल्डर में कितनी इलास्टिक अच्छी लगेगी, और उसके बाद मैं उसमें इलास्टिक को इंसर्ट करके सिलाई कर दूँगी. एंड देन ये बहुत अच्छा फ्लफी सा मेरा बलून स्लीव रेडी हो जाएगा,
और इससे हम ड्रेस के साथ ही टाई कर देंगे अराउंड 2.5-3 inch तक, ताकि मैं इसे एज ऑफ द शोल्डर भी पहन पाऊँ या फिर मैं इसे शोल्डर्स पे भी पहन सकती हूँ, ऐसे लगे कि मैंने बोट नेक पहना है। तो इस तरह हम इसे स्टाइल कर सकते हैं। Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England, never know. But when I see my friends, I see them with this golden glow. It seems they can touch the rainbow. दोस्तों तो आर्म्स का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अब आर्म्स को अटैच करना है। बेल्ट भी मैंने बना ली थी अर्लियर और अंधेरा हो रहा है बाहर, वैसे 7 o'clock हुए हैं अभी, वैसे आज मेरा काम ये फिनिश हो सकता है। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, बॉडी को आर्म के साथ अटैच करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा अराउंड 2.5 inch तक। आई नीड टू ट्राई लिटिल बिट। अरे दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको और ऑल्टर करना चाहती थी, तो काम खराब हुआ है थोड़ा, उसे मैनेज कर लूं। एंड देन आई सॉ दिस ब्यूटीफुल रेनबो। माय गॉड यू सॉ द वेरी गुड, यू सॉ द वेरी गुड। ओह दिस इज सो ग्रेट। एंड जस्ट गो हिट द बेल एंड थम्स अप। ओके गाइस, ओके गुडबाय। सो इस रूम में अंधेरा हो चुका है और मुझे कुछ कुछ फिनिशिंग टच देने हैं अभी भी इसको, देन आयरन करूँगी मैं इसे। पर आई थिंक आज के लिए मैं डन हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं गले में भी इलास्टिक डाल लूँ, पर आई एम नॉट श्योर, मे भी कल कर लूँगी मैं वैसे। सो और कई चीज़ें पिद्दी पिद्दी करनी है, वो करूँगी मैं। देन आई थिंक वी आर रेडी टू शो इट टू यू गाइस। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो आज वो वाला दिन आ चुका है जब मैं आपको ड्रेस दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अब तक। अगर लगी है तो प्लीज़ पॉज करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि मुझे ऐसी वीडियोज़ और बनानी चाहिए। सो मैं ज़रूर से बनाऊँगी। सो जल्दी से मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, मैंने पहन रखी है। कमेंट में बताना कि कैसी लगी। सोचता हूँ के वो इतने मासूम थे, सोचता हूँ के वो इतने मासूम थे। मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊँ, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊँ। हो आजा माही आ सोनिया बे आके, आज मेरे गल लग जा। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम, प्यार होता है कैसे कर के देखेंगे हम, किसी की यादों में कहा
इसी तरह हम लोग डन है हमारी वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस एंड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि यस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए। एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट के ज़रिए मुझे आपके विचार पता चल जाते हैं एंड आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ कुछ भी अपने विचार कमेंट्स में पेश करना, सो मैं उसे पढ़ूंगी एंड मज़ा आ जाएगा मुझे। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइज सो वेरी मच। बाई।